What is up guys, welcome back to one. गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंजाब। चाय भी आ गई है मेरी। एंड सच्ची बात बताऊँ तो मनाली से ज़्यादा, कसोल से ज़्यादा ठंड इधर है पंजाब में। अभी खड़ा नहीं जा रहा है। एंड बारिश उधर एक दिन नहीं दिखी हमें, एंड इधर आते ही दिखी है। एंड पता चला दो तीन दिन से भी पड़ रही है लगातार। और मेरे को ऊपर जाके वो भी चेक करना है ड्रेन वगैरह, क्योंकि हमारी छत पर पानी जमा हो गया था। तो अगर ज़्यादा दिन पानी यार फिसल ना जाऊँ। बैक टू पंजाब बट लविंग इट। हाँ, एंड मैं तो आते ही सो गया था। सो जब भी मैं उठा मम्मी थे नहीं, तो भी फ़ोन आया कहते रोटी खा लियो, ये खा लियो सबको। अरे यार, तो भी फ़ोन आया कि रोटी खा लियो, बना हुआ है ना। क्या चलो अभी मौसम ऐसा, मैंने कहा आते टाइम पकौड़े ले आना, क्योंकि वैसे भी चीट कर ही रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार खा ही लेता हूँ। मैंने सोचा था इधर आके नहीं चीट करूँगा, बट आज तो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्रेश चीट करके आया हूँ ना। मैंने बोला चाट ले आना, कैसे अगर बारिश में हुआ तो ले आऊँगी। ओके लेट्स सी कौन सी। एक तो घर आके घर के काम। अबे कहाँ जा रहा है? हेलो, सभी सही लग रहा है यार। पानी भी नहीं रुका हुआ। ओह इधर रुका हुआ है, काचिया है। मेरा जिम सेटअप यार, मैं पूरा जिम ही उठा लाया था जब वो लॉकडाउन लगा था। इफ यू गाइस रिमेंबर, अरे रिमेंबर रे, कुछ कपड़ा को नहीं मिल रहा। हाँ हाँ ये लाइट देख कैसे चल तू फटी हुई तो ही है। हाँ हाँ वाटरफॉल। और क्या भाई वाटरफॉल। हाँ बाकी चला जाएगा गोल्डन, एक काम डन। लेट्स सी खाने में क्या बना है। फेवरेट। थैंक यू मम्मी। बैक टू नॉर्मल लाइफ। यार मेरे को बनाने में जजमेंट करना नहीं यार। अभी जो है जैसे घूमता हूँ भाई कोई है। कल हम पहुंचे थे रात को 4:30 एंड मैं सुबह उठ गया 10 बजे। आई थिंक नींद ही नहीं है मेरे बॉडी में। अभी इसके बाद क्वीन ऑफ साउथ देखूंगा साथ में, क्योंकि बैक टू नॉर्मल लाइफ वो भी काफ़ी दिन से नहीं देखा। एंड उसके बाद खाना खाने के बाद आई विल एडिट, जो आपने व्लॉग देखा है तोश वाला वो एडिट करना है, पोस्ट करना है। नए सब्सक्राइबर्स को जरा होम टूर भी दे दूं। सो दिस इज गाइस, दिस इज हमारी किचन येलो थीम। दिस इज कड़ा। दिस इज डेकोर येलो। ग्लास क्या दिखा रहा हूँ। दिस इज अपना ड्राइंग रूम, ये पंजाबी रूम है आप देख सकते हो।
दीवान। इधर मैंने अपनी कलेक्शन रखी हुई है जो भी लेके आता हूँ मैं बाहर से, ये मेरी मेहनत, भंगड़ा भुंगड़ा टेम्पा भी रखा हुआ है, काफ़ी टूट गए थे प्राइस इधर उधर रख दिए। ये मेरे डिग्री का एडवोकेट जी, आधे मम्मी के बड़े हैं पीछे, ये मम्मी की कलेक्शन ओल्ड स्कूल एंड या ये कहीं से तो लेके आया था मैं, ये ले कहाँ के है मेरे को तो याद भी नहीं, जैसे सदारमी। हाँ इसमें सिर्फ वो ही लगे हुए हैं जहाँ पे मैं जाके आया हूँ। जो प्यार करने वाले लोगों का समाज कभी नहीं मैं फेंकता, रहते हैं मेरे साथ हमेशा। ले ले ला 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 ला। हाँ या दैट्स इट। अभी मेरा रूम दिखाने की हालत में नहीं है, सो यस खाना खाएं। फाइनली हो गया हूँ फ्रेश एंड टैनिंग काफी होगी है, बट कोई ना कुछ करवाएंगे इसका भी एंड या सो करते हैं थोड़ी सी बात अबाउट द ट्रिप। 8 दिन पहाड़ों पे सो मैं काफ़ी लोगों को मिला, मतलब एक मेरा अलग ग्रुप था जिनके साथ मैं गया था, मुंबई वाले फ्रेंड्स, सैम हो गया, उसके फ्रेंड्स हो गए, वो पूरा इवेंट टेक्नो इवेंट देखने, 3 दिन की पार्टी, काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया, काफ़ी लोगों से मिला। मेरे को हर बंदे को मिल मिल के जब बात करता हूँ मैं समझता हूँ भाई किसकी थिंकिंग क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी क्या है, एंड मैं अपने आप को नोटिस करता हूँ कि ना मैं हर बंदे के अकॉर्डिंग हो जाता हूँ, मतलब अगर उसे वो चाहिए तो मैं उस चीज़ को पहले बताऊँगा कि भाई समझ नहीं पाओगे अब, बट यस मतलब मेरे को सबसे मिलना बहुत पसंद है एक्चुअली, क्योंकि जब अपने तो चल अपने ही हैं, बट जब दूसरों के बारे में सुनो या अपनी बात बताओ, वो स्टोरीज जब मिलती है, मतलब वो सुन के अलग ही मज़ा आता मेरे को, सो यस उसमें मेरे को बहुत मज़ा आया। एक साइड था मतलब एक ग्रुप था जो इन्फ्लुएंसिंग या कंटेंट क्रिएटर वाले नहीं थे, सो वो अलग वाइब रहती है, वो मैं अलग वाइब में भी रहता हूँ कि वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं कर रहा या कुछ वीडियोस नहीं बना रहे, अलग बातें चल रही होती है, सब अलग ग्रुप के रिलेटेड बातें चल रही होती है, एंड एक साइड होता है कि हमारा मतलब ट्रिप पे सभी व्लॉग कर रहे हैं, एंड वो अलग वाइब रहती है कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे करना है सब कुछ, इधर है भाई यहाँ चलते हैं, हम यहाँ है उसके ऊपर चलते हैं, वो चलते इधर डिसाइडेड रहता हूँ बहुत अलग अलग जिंदगी जीता हूँ कई कई बार, मेरे को ऐसा लगता है, और मैं उसमें भी फन हूँ इसमें भी फन हूँ भाई, इधर आके चलो रील्स बनाए, चलो वीडियो बनाए, चलो यहाँ पे चले, चलो वो खाए पिछली बार वहाँ पे खाया था, आज फिर से वहाँ पे खाए, इधर आके खाने भूल गया था मैं जैसे इधर हिसाब का अलग सिस्टम, मतलब ऐसी जिंदगी जियो भाई, मतलब ठीक है अपने तो अपने रहेंगे ही बट बाकी भी अपने बनाओ भाई, सबसे दोस्तियां करो, सभी आ जाओ बंदा ही है भाई, ह्यूमन ही है किसी को, मतलब मैं वो नहीं सोचता हूँ कि मैं ये हूँ तो उसे नहीं बुलाऊंगा, मेरे को तो ये भी नहीं पता था मैं ये हूँगा, मैं तो सबको मतलब मैं स्टार्टिंग वाली लाइफ ही जी रहा हूँ आज तक, मैं ये मानता हूँ, सो यस एक्सपीरियंस का कुछ बताया नहीं, बाकी बातें खींच दी मैंने, कुछ ही बोल देता हूँ यार, मेरे को सेल्फ प्रिपेयर क्यों नहीं होता हूँ मैं बोलने के टाइम की, हाँ कैमरा ऑन करके ये बोलना है, उस टाइम सोच के बोलता हूँ, मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि मतलब जो दिमाग में चल रहा था सब निकल पड़ता है भाई, सही है। सो एक्सपीरियंस ऐसा था, एक तो गर्मी थी वहाँ पे एंड मार्केट में अकेला घूमने गया था, बहुत मज़ा आया मेरे को एक्चुअली, अकेला घूमने में ज़्यादा मज़ा रहता है क्योंकि फिर ऐसे कोई साथ होता है कुछ होता है तो ऐसा वो भी करो वहाँ भी जाओ वहाँ पे भी खड़े रहो देखो वो करो, फिर वो कि किसी बंदे के सामने जो तुम बोलना चाहते हो या उसके सामने कभी नहीं बोला तो फिर नहीं बोलते हो, तो ये मेरे को ना रुकना नहीं है, मतलब समझो रुकना नहीं है, ऐसे रुक तो मैं सकता हूँ किसी के लिए, वो वाला पार्ट नहीं है, मतलब रुकना नहीं है, मतलब कोई चीज़ बोलने आ, जैसे मेरे मन में कुछ होता है ना तो वो दिल मेरा धक धक करने लग जाता है जब मैं उसे कंट्रोल में रखता हूँ, तो जब मैं अकेला होता हूँ और भाई क्या हाल है बढ़िया अब बताओ, अरे क्या क्यूटी लग रहे हो
मतलब समझा नहीं पाऊंगा, बट सही है। तो मार्केट वाला पार्ट बेस्ट था, वो सैलून में जाके भाई के साथ बात की। ट्रिप तो बहुत क्रेजी रहा मेरा, एंड यस एक दो दिन में फिर से ट्रिप आ रहा है, फीलिंग ट्रैवलर। चलो सही है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी मेरे को जरा टर्निंग का कुछ करना है, एंड अभी आई एम वेटिंग फॉर मम्मी, घर पे भी लगवा, मेरे को उससे भी एक को भी मिलना है यार। उसे मिल तो आया था मैं सुबह, बट व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम खेल रहा था उसके साथ। उल्लू बुल्ली बुल्ली क्यूटी है यार, मैं उसे ट्रिप पे इतना याद किया हूँ। मैं क्या मारू को, मैं क्या यार उसे भी मिलना है, तू भी आई हो मिलने। देख पाउट करता है, ये करता है, वो करता है यार। बच्चों के साथ मेरा अलग प्यार है, एक बच्चों के साथ, एक पपीज के साथ जो छोटे हैं उसको मिलना है। सो यस, एंड काफ़ी लोगों के बोर्ड के एग्जाम है, काफ़ी कुछ कमेंट्स में देखता हूँ कि कल ये टेस्ट था, वो टेस्ट था, अच्छा गया। मेरे कमेंट्स में तो ये बहुत चीज़ें रहती है। सो गाइस ऑल द बेस्ट, हमेशा बोलता हूँ मैं, खींच के रखो काम। ये मत सोचो कि मैं पढ़ूंगा तो किसी को ये लगेगा ओ ये तो पढ़ रहा है, ये तो ये है, बोंदू है, कुछ है घंटा भाई। मैं भी वही सोचता था, बट बाद में एक टाइम पे रियलाइज होता है कि ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। जो चीज़ करनी है ज़िंदगी में उस पर भी ध्यान देना चाहिए, चाहे कम दो तो वो जो चीज़ चाहिए वो उतनी ही मिलेगी जितना तुम ध्यान दे रहे थे। अगर बहुत ज़्यादा दोगे तो उतनी ही मिलेगी जितना आपने उसको किया है, समझ रहे हो, प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस। ज्ञान देखो काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को ना। बढ़िया चीज़ है भाई, बहुत कुछ देखा मैंने, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हूँ, मेरे को क्या ही बताऊँ, बता भी नहीं सकता आधी चीज़ें तो। So, सुन लिया करो, मैं सच बोल रहा हूँ। एंड यार एक मेरे को कैमरा भी लेना, मैं कैमरे ही लेता रहूँगा पूरी ज़िंदगी। मेरे पास GoPro 8 है, GoPro 9 है, DSLR है, वो Canon G7 X Mark 2 है जो इतनी पहले लिया था, अरबा सोनी A3 है। मेरे को और कैमरा चाहिए, अब छोटा व्लॉगिंग वाला कैमरा चाहिए, क्योंकि मेरे को उसमें मज़ा आता था, वाइब आती थी, क्या क्लैरिटी आती थी, उसे एडिट करने में क्या फील आती थी भाई। सो आप कमेंट्स में पक्का बताओ मैं कौन सा कैमरा लूँ व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि आपने देखना है, और आप बताओ आप मेरे को किस में देखना चाहते हो। यस बेटी, वो मम्मी एक्चुअली मेरे को भूख लगी है तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैंने लंच नहीं किया, एडिट उडिट कर रहा था, उसके बाद उसे पोस्ट किया हूँ। पोस्ट करने के बाद नहाया हूँ, नहाने के बाद अभी आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया गाइस, ये वीडियो 6 मिनट की बन गई थी, मैंने काफ़ी बातें आई थिंक काट दी होगी, सो इसी बात पे खाते हैं कुछ, मम्मी का वेट करते हैं। एंड गाइस एक और बात, मेरी आंखें लाल इसलिए रहती है, किसी ने तो कमेंट में बोला था कि आंखें लाल है, जब मैं नहाता हूँ आंखें बंद करके नहाता हूँ मेरे आंखों में पानी तक नहीं जाता, बट सबको मुंबई में पता है कि मेरी आंखें नहाने के बाद लाल होएगी। सो दैट्स द रीज़न। क्यों तस्मीन, सही बात है ना, क्या पी कह रही है गुंजे? एप्पल खाया, एप्पल जो मैं लेके आई थी टेस्टी लग गया, टेस्टी एप्पल नहीं है, मैं दूसरा वाला प्लम। आलू बुखारा क्या लेके आए हो अपने गुच्चू, अपने गुच्चू के लिए? अच्छा जी, मम्मी मम्मी चीजी ले आई मेरे लिए, मैं अपने गुच्चू ले चीजी ले गई, तो देखता है मैं तो तरसा हुआ चीजी ले, मेरी मम्मी कब आएगी? आओ जल्दी, तो चीजी मेरी आ गई, आओ जो मेरे बच्चो आ जाओ, चीजी खाइए गरम गरम चीजी, कुछ तो होना। ओए बंदर, ओए हाय, चीट मील, ब्रेड पकौड़े, आंटी एंजॉय करो, रुक रुक रुक, आराम ना, सीधे हो आ गए, मैंने बैग भी नहीं रखा था, नहीं चीजी खानी है। ओ यस चाट, वो की खाऊंगी आ गया है भाई, ये है भाई चाट, अरे चाट बल्ले बल्ले। ओके गाइस, डन विद माय खाना, पेट भर गया, कैसा लगा? अच्छा लगा, मीठी नहीं लगी?
अभी जा रहा हूँ शॉप पे कपड़े देने के लिए, ड्राई क्लीन के लिए, क्योंकि जो मेरे मेन मेन कपड़े हैं वो मैंने ज्यादा डाले हैं, चाहे ट्रैकिंग हो कुछ भी हो, सभी जीन जोन सब कुछ खराब हो गया। सो अभी पहले जाऊंगा राहुल को उठाऊंगा। यार मुंह का क्या हाल बन गया, यार मुंह का क्या हाल बन गया। शिट, पानी ज्यादा पीऊंगा, जिम जाऊंगा, कार्डियो करूंगा, सब ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। सो यस, अभी चलते हैं राहुल को पिक करते हैं, उसके बाद कपड़े देते हैं। बस उधर रिवर राफ्टिंग देखी थी, रिवर राफ्टिंग भी होगी। ये है रोपड़ के हाल भाई, कुछ काम नहीं करवाते इधर, मोटे दे दो इन्हें। उतरियो उतरियो, आई थिंक चले जाना चाहिए वापस, नहीं तो मम्मी मार देगी। लेट्स गो बैक, आगे कुछ भी हो सकता है। उतरी आओ, हमें दूसरी रोड ली है जिसमें पानी तो है बट कम है। सर ये क्या था, सड़कों का क्या हाल है? वेलकम टू पंजाब। वेलकम टू पंजाब, पता कितनी मुश्किल से आया हूँ, तभी तो मैं नहीं आ रहा था। हाँ तभी तो मैं नहीं आ रहा था, कहता कैसा एक्टिवा नहीं चला होगी भाई, रोड का तो पता लग रहा है कहाँ क्या है। वही तो ना, पीछे और ज्यादा है, इधर उधर इधर से आया हूँ पागल। नहीं ये कुल इस साइड नहीं होगा, इस साइड होगा। वो तो दलदल है, उधर मैं घुसाया आ गया कि गाड़ी ऐसे नीचे को जा रही थी भाई हमारी। वो देख हमारे, मैं वही बोल रहा था, मैं उधर हमारी वो रही थी ना रिवर राफ्टिंग। ये तो समुंदर है भाई अलग, यहाँ तो जा सकते हम, इधर प्लेन ही होगा ना गाइस। ये अपना रोपड़ का वो है ताजमहल और ये मकबरा के साथ ये हमारे लेक जाती है एक ये समुंदर में बना है। इधर जल्दी बोटिंग स्टार्ट होने वाली है बिजनेस, इटली में वेनिस है, पंजाब में रोपड़। रुक जा रुक जा राहुल, इधर सड़क है, ये सड़क ही है पक्का, इंटरलॉक टाइल्स ही है सारी, देखो याद है ना। और ऐसे जाते हैं तो सीधा नीचे ना हो जाए, वो मेरे को पता नहीं कुछ। अबे यार ये देख घोड़ा भी हैरान होके खड़ा हुआ है मुझे कूड़ा देख का कहीं पे भी गिर देते हैं क्या यार। दुकान में पानी अंदर है ये इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया ऊपर कर ली दुकान। रिवर राफ्टिंग ये भाई वापस भी आना है नहीं वापस आने के लिए भाई हमारा 2-3 दिन हमने एडवेंचर कम किया आज आज आ हो गया भगवान कह रहे हैं करवाओ आज आज पहली बार घर वालों का डर लगा क्योंकि मम्मी की गाड़ी है ना तो, ये भी है मेरी लाइफ फाइव स्टार भी घूमो पहाड़ों में घूमो और ऐसे भी घूमो। बचपन में नहीं बात मारते थे आंटी जी रौनक है तो सीधे ही फोन मारते हैं और बोलते हैं गधे बाहर आ जा, बुखलाया क्यों रहता दिन भर, बंद कर क्या पहले, बंद कर क्या पहले, बाद में खोलूंगा अकेले से कहोगे घर वालों को तो कहते रहते हो स्टॉक मार्केटिंग वाली टी शर्ट डाला है और रौनक यार तेरे को पता कितना ट्रिप पे मजा आया हमें, तू कहां था यार? मैं यार बहुत मिस किया मैंने यार, ओहो शिट, नो 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 क्या भूल गया चाय निकालो लटकी रही रही तू की करी और चाय वाला मेरी मम्मी कहते हैं सच, मेरी मम्मी बोलते हैं कि व्लॉग में कैमरा ज्यादा हिलाया मत कर, सीधा होके बोला कर हमें व्लॉग में मैं कैमरा ना हिलाया करूं, कहाँ गए इधर आओ नहीं। बताओ तो सही अपनी स्टोरी, वेट लॉस स्टोरी। अच्छा बताओ कितना वेट लूज किया है? 4 kg कितने दिन महीने में? हाँ वाओ, 1 मतलब 45 डेज ने मेरी मम्मी ने 4 kg वेट कम कर लिया,
वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। इनके बाबा भी आ गई। और पाजी की हाल चाल? बढ़िया जी, आओ चाय पिलाइए। क्या बन रहा है रात का खाना? अंडे। अंडे विद? अंडा पुरी। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। विद रोटी। वेरी गुड। की लगाना? दैट्स लाइक माय मॉम। की लगाना रोटी लो? की लगाओ? नहीं, की नहीं लगाना। मतलब पैदी दे दो, चार रोटी दे दो, प्लेन अंडे पुरी दे दो, एंड उसके बाद मैं सीरीज देखूंगा अपनी, एंड उसके बाद सो जाऊंगा, सुबह एडिट कर लूंगा या रात को एडिट कर लूंगा। सो ऐसी सी बात पे डू लाइक एंड सब्सक्राइब यार, ऐसा जाए पे हम आर्ट फैन।